जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे लहसुन प्याज के बारे में। सभी सब्जियों के अंदर इनका प्रयोग किया जाता है और हम सब जानते हैं इनका प्रयोग। वैसे देखा जाए तो यह है औषधियाँ भी होती हैं दोनों की दोनों, लेकिन इनको तामसिक प्रवृत्ति का माना जाता है। व्रत के दिन इनका ग्रहण नहीं किया जाता। भगवान नारायण के जो भक्त होते हैं वो भी इनको ग्रहण नहीं करते। तो क्यों नहीं ग्रहण करते, तामसिक प्रवृत्ति के क्यों माने जाते हैं, तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। दोस्तों आप राहु को जानते होंगे। राहु ग्रह है, छाया ग्रह है, राक्षस था जिसने धोखे से अमृत पी लिया था। चंद्रमा ने और सूर्य ने जब उनकी शिकायत भगवान नारायण से की, भगवान यह देवता नहीं राहु है, तो उन्होंने क्रोध आया और उनका शीश काट दिया। क्योंकि उसने अमृत ग्रहण कर लिया था, जिस वजह से उसके गले के अंदर दो बूंद अमृत जा चुका था। लेकिन भगवान नारायण ने जब उनकी गर्दन काट दी तो वो जो बूंदें थी वो पृथ्वी पर आ गिरी और उन दो बूंदों से उत्पत्ति हुई लहसुन और प्याज की। होती दोनों औषधियाँ हैं, अगर औषधि के रूप में इनको प्रयोग किया जाता है तो फ़ायदेमंद होती है। बाकी राहु के गले से कंठ से निकली हुई हैं, इसलिए तामसिक प्रवृत्ति की मानी जाती है। इनको ग्रहण नहीं किया जाता, ना ही कोई भी देवी देवताओं को उनका चढ़ाया जाता है, क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति की है, काम वासना बढ़ा देती हैं। तो ये है इसके पीछे की कहानी। इसलिए जितना हो सके लहसुन प्याज ग्रहण नहीं करनी चाहिए, चाहे कोई भी व्रत हो, पाठ पूजा हो। ये अगर हम त्याग देते हैं तो हमारे अंदर सात्विकता बढ़ जाती है, भगवान की ओर हम अग्रसर होते हैं। तो यह चीज़ आप अवश्य अपनाइए। व्रत वाले दिन आप ना खाएं तो अच्छा है। वैसे अगर आप व्रत पाठ पूजा नहीं करते हैं तो आप शहद के साथ लहसुन और प्याज खा सकते हैं। इससे आपका जो वीर्य है उसको गाढ़ता मिलती है। दोस्तों ऐसे ही विषय की जानकारी के लिए ज्ञान लेकर मैं आपके सामने फिर पुनः उपस्थित होऊंगा और एक अन्य विषय लेकर। अभी के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।